दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को रोज संध्या के समय अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक दीपक जलाते हुए देखा होगा, या हो सकता है कि आपके घर के मुख्य द्वार के पास भी दीपक जलाया जाता हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दीपक क्यों जलाया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज मैं आपको इस विषय पर पूरी जानकारी दूंगा और संध्या के इस दीपक का दिव्य महत्व और तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें और सुनें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जानकारी को सुनने के बाद आप भी हर रोज संध्या के समय अपने घर के प्रवेश द्वार पर दीपक अवश्य जलाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार पूर्ण श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, संध्या का समय यानी कि गोधूली बेला राहु की बेला होती है। ये सूर्यास्त और रात्रि के बीच का समय होता है। यही टाइम होता है दिया जलाने का, चाहे वो मंदिर का दिया हो या फिर मुख्य प्रवेश द्वार का। राहु प्रेत आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का कारक होता है। सबसे अधिक मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा राहु के द्वारा ही संचालित होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश पर राहु का प्रभाव है तो आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में अधिक रहेंगे। अंधकार यानी जैसे ही सूर्यास्त होता है तो नकारात्मक ऊर्जा जागृत अवस्था में आ जाती है और अपनी जगह अपना स्थान तलाशने लगती है। कहाँ घुसना है, कहाँ किसके घर में जाना है, किसके घर में प्रवेश करना है। इन नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए ही रोज संध्या काल के समय मुख्य द्वार के पास दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मूल सिद्धांत यही है कि प्रेत आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा को घर में घुसने से रोकने के लिए ही संध्या के समय एक दीपक मुख्य प्रवेश द्वार पर जलाया जाता है, और यह दीपक जलाना परम अनिवार्य भी है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों पर ध्यान देना भी जरूरी है। जैसे नंबर एक, मुख्य द्वार पे सरसों या फिर चमेली के तेल का ही दिया जलाना चाहिए। नंबर दो, दिया मिट्टी का ही होना चाहिए, रोज सुबह उसको साफ कीजिए और इसी दिए को काम में लेते रहिए। नंबर तीन, दिया मुख्य प्रवेश द्वार पे घर से बाहर की तरफ दाहिनी ओर जलाना चाहिए। घर से बाहर निकलते हुए दाहिनी यानी राइट साइड में दिया जलाना चाहिए। नंबर चार, मुख्य द्वार पे दिया संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद और रात्रि होने से पहले रोज जलाना चाहिए। नंबर पाँच है, घी का दीपक मुख्य द्वार पे ना जलाएं। घी का दीपक सिर्फ घर के अंदर मंदिर में ही जलाएं, और घी भैंस का नहीं होना चाहिए, घी सिर्फ देसी गाय का होना चाहिए, उसी घी से मंदिर में दिया जलाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और पड़ोसियों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।